बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया। अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस एमएलसी को बिहार में कानून मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है उसके खिलाफ कोर्ट ने अपहरण के मामले में वारंट जारी किया है। दरअसल राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी, इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कल यानी 16 अगस्त को इनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अब दूसरी ओर इनको लेकर नई सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी की ओर से पहले ही ये कहा जा रहा है कि नई सरकार का मतलब बिहार में जंगल राज है। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के विधान पार्षद हैं, उन्होंने विधान पार्षद चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को पटकनी दी थी। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय सिंह शिक्षक भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह ने हेडमास्टर साहब कहकर बुलाते थे। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के जेल में रहने पर कार्तिकेय मास्टर ने ही मोकामा से लेकर पटना तक उनके सारे काम देखते थे। आपको बताते चलिए कि थाने ने नहीं, कोर्ट ने जारी किया है कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय उर्फ कार्तिक मास्टर फंस गए कानून के चक्कर में। दरअसल पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में 2014 में हुए राजू सिंह के अपहरण के एक मामले में कार्तिकेय को कल कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उसके बदले वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अब कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।